चालू करो। अब पहला सवाल ये उत्तर प्रदेश में 60 पैसा पर यूनिट बिजली भाजपा खरीदा था, ग्रामीण इलाका में 7 रुपया, शहर में 8 रुपया दे सकता हूँ। सरकार बनाओ, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ, उत्तर प्रदेश की घरेलू बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। ये मैं पत्रकार साथियों को बधाई देता हूं और आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई। अब इस गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक सफर आसान होगा और जिस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शिलान्यास करने से पहले समाजवादी पार्टियों में ये कहा था कि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती है और रफ्तार के बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और एक बात मैं हमेशा कहता था कि अमेरिका की जिस तरीके से सड़कें बनी और सबों ने अमेरिका को बना दिया, और अगर आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, तो प्रगति और तरक्की भी आपकी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। इफ यू कैन ट्रिपल द स्पीड, यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और दुनिया में जो मुल्क भी आगे बढ़े हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया है।
मुझे खुशी है कि हमारे साथ बहुत सारे समाजवादी सरकार में मंत्री वो खड़े हैं। जिस समय इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था वो सब लोग मौजूद थे। इस एक्सप्रेसवे के बाद जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ। ये खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, ये शहरों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, ये गांवों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इससे शहर और गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, गांव ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको और मजबूती देने का काम होगा इस एक्सप्रेसवे से। इसके किनारे मंडियां बननी थी और मंडियों का इसलिए बनाना जरूरी है कि किसान जो अपनी पैदावार करता है वो आखिरकार बाजार तक कैसे पहुंचे, उसको कीमत कैसे मिले। इस एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बननी थी वो मंडियां नहीं बनी है। समाजवादी सरकार बनने पर किसानों को मंडी उपलब्ध कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसी तरह रोजगार के अवसर कैसे और पैदा हों, नौकरियां कैसे मिलें।